यहाँ पे पहली गियर में कर लेते हैं। थोड़ा सा हम भी रेस्ट कर लेंगे, मोटरसाइकिल को ऐसे ही जाने देते हैं। मेरा मोटरसाइकिल भी हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रेवलिंग। आज गाइस हम लोगों ने यहाँ पे होटल पे स्टे किया। इस जगह का नाम है हैदरफीदा, मेरे ख्याल में हैदरफीदा इसका नाम है। और कल हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग स्टे करेंगे उधर हबला पे, लेकिन हबला पे हम लोग वहाँ पे कैंपिंग करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा मच्छर था कि हम लोगों को कैंपिंग करने नहीं छोड़े। और फिर हम लोगों ने यही सोचा कि इससे बेहतर है कि हम लोग एक होटल पकड़ें। तो हम लोग इधर आ गए हैदरफीदा में, और ये मेरे ख्याल में अलहबला से 25 किलोमीटर दूरी पे होगा। रात को हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे खूबसूरत सा होटल मिला, और ये इसमें दो रूम है, एक हॉल है और एक किचन, एक हमाम है। ये हम लोगों को पड़ गया था 81 रियाल। फैमिली के लिए ज़बरदस्त जगह है। ये एक रूम है, साथ में ये हॉल है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपना सामान रेडी किया, बस जाने वाले। ये इसके साथ मास्टर रूम है, किंग बेड है इसमें, और इसके साथ ये किचन है, और साथ में एक हमाम है। बड़ा साफ सुथरा होटल था, 81 रियाल का बड़ा सस्ता मिला हम लोगों को। अच्छा गाइस, यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं वादी लजब की तरफ। मेरे ख्याल में यहाँ से होगा ये 150 किलोमीटर दूरी पे होगा, और इंशाल्लाह अभी नमाज का टाइम भी है, 12 बजने वाले, और 12:30 पे ऐसे अजान होते हैं, तो रास्ते में हम लोग जुम्मे का नमाज भी पढ़ लेंगे, फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, खान को कल रात को मैंने अंदर लेकर लाया, यहाँ पे खड़ा कर दिए, अभी निकलेगा इधर से इंशाल्लाह। अच्छा गाइस, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे होटल से और जाएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ के, इंशाल्लाह फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई मस्जिद ढूंढते अगर नज़दीक हुआ तो। अच्छा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली है, अभी सीधा चलते वादी लजब पे। गैस, क्या खूबसूरत मौसम है, बादल ही बादल है। ओ क्या ठंडा हवा लग रहा है, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। एक सौ 26 किलोमीटर रह रहा है वादी लजब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खूबसूरत पहाड़ तो चेक कर ले सी आप। गाइस ये सीन चेक कर ले, माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है यार। ये खूबसूरती चेक कर ले, ये नीचे पहाड़ चेक कर ले। मैं थोड़ा खड़ा होता हूँ मोटरसाइकिल पे ताकि आप लोगों को सही नज़र आए, माशाल्लाह फुल पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़ है। ये बंदर भी देख इस्तकबाल के लिए खड़े हैं हमारे,
क्या खूबसूरत जगह है यार। सेम वही पाकिस्तान का फीलिंग आ रहा है अभी, जैसे हम लोग पाकिस्तान में हो। वो पहाड़ के ऊपर बकरियां देख रहे, क्या खूबसूरत सीन है यार। हर मोड के बाद आपको नई नई खूबसूरती मिल रही है। अभी ये चेक कर लिया, कितना मैं खड़ा होऊंगा ये मोटरसाइकिल के ऊपर। ये रोड से आप जब गुजरते हो गए ना, ये रोड के ऊपर जो खुशबू आपको आता है ना फूलों का, वो कोई अलग है माशाल्लाह। ये नीचे क्या है भाई, यहाँ पे रुकना पड़ेगा, नहीं हो सकते, लाजम रुकना पड़ेगा, लाजम रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग सा सीन दिखा रहा है। अच्छा गाइस, अभी यहाँ से हम लोग गुजर रहे थे, मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, लाजम मैंने खान को रुकवाया और यहाँ पे उतर के ये सोचा कि लाजम चेक करना है। ये चेक कर ले, इतना खूबसूरत जगह है। आपके जब रोड के ऊपर आप जा रहे होते हैं ना, ये फूलों का इतना खुशबू आता है कि आपका सोच, और इतना खूबसूरत जगह। अबहा भी बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इसका कोई अलग सा मज़ा है। यहाँ पर आप जब रोड के ऊपर जा रहे होते, साथ में खुशबू और साथ में जो करफात है, अजीब सीन है। गूगल ने ये किधर आ गए यार, 52 किलोमीटर अभी दूर है वजह वाली लजब, ये किधर आ गए। अबे की हरकत तो चेक कर, ये गूगल का हरकत ही चेक कर, नीचे नदी के ऊपर मुझे चढ़ा रहे। दुले चौश चढ़ता था। चलो गाइस, अभी फिर पीछे जाना पड़ेगा। उधर आना ना ना मगा कवा। मेरे ख्याल में ऊपर थोड़ा टफ चढ़ाई है, वो गाड़ी रुके थे। बिल्कुल टफ है। यहाँ पे मुझे पहले गियर में डालना चाहिए। अयो ये चेक करे सुभान अल्लाह। नीचे जगह चेक कर ले, सिक्स व्हील से मुझे आगे जाना होगा लाजिम। इनका पता नहीं चल रहा है, ऐसे नो के रिवर्स आ जाए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रोड है भाई।
जा भाई तू जा, हम लोग को छोड़। मेरा मोटरसाइकिल भी क्या हुआ? मोटरसाइकिल को मेरे ख्याल में नजर लग गया है, खुद ही बंद हो रहा है, क्लच में मसला आ गया कि क्या है। ओ हो 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 हो, चेक करे गाइस, आराम आराम से चलते हैं। अबे चलते एडवेंचर में ये होते है, जूती का मैंने सत्यानाश कर दिए, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे गाइस ये जो खुशबू आ रहा है ना दरख्तों से, अभी अभी ताज़ा ताज़ा बारिश हो चुका है तो इससे जो खुशबू आ रहा है, ओ हो खतरनाक सीन है गाइस। वहाँ से गाड़ी नहीं आ जाए, खतरनाक सीन का डबल खतरनाक कर देगा। ये पारी में फुल स्लो जाना पड़ेगा, वहाँ से पिकअप आ रहे हैं। आइयो वो सामने चट्टान की तरह पहाड़ देख ले, अबे यार ये इधर हम देख ले, मैं पहाड़ देख रहा हूँ। माशाल्लाह, मैं कितनी बार बोलूं माशाल्लाह, कितनी बार, चेक कर ले यार। ठंडी ठंडी हवा है, ये वादी चेक करें। पहाड़ के ऊपर तंदर देखा, गाइज अभी पुलिस वाले ने बताया, बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, शायद अंदर नहीं जाने देगा वादी लजब में। बोलते कि फिर भी जाओ चेक कर लो, अगर दिया तो सही है, अगर नहीं दिया तो वापस आ जाओगे। चेक करते हैं, इंशाल्लाह खुला होगा, जाने दे देगा, क्योंकि बहुत दूर से आए, ये चढ़ा है ये उतरा है, इसको सिर्फ चेक कर। मेरे ख्याल में ये यही है, मेरे ख्याल में हाँ बिल्कुल यही है, ये नीचे से ऐसे जा रहे हैं। 400 मीटर ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ जी लजब इस साइड पे। यहाँ पे पार करते हैं, नीचे इतना पत्थर है, वो जी लजब यहाँ पे स्टोर भी है।
नीचे साइड पे। अच्छा देखते अगर जाने हलोल नीचे चलते यार। हम लोग आ गए, बड़ा खूबसूरत जगह है। इधर अंदर भी मेरे ख्याल में कोई सीन वगैरह है, लेकिन इधर हम लोग अभी नहीं जा रहे, वापस जाना चाहते क्योंकि मैंने अभी बोल रहे थे कि मटर होएगा यानी बारिश होएगा, ऊपर से ऐसे नो के पत्थर गिर जाए कुछ गिर जाए सबको यहाँ से निकाला, और अभी हम लोग भी जा रहे हैं। ये ज़रा बड़े बड़े पत्थर चेक करें, इसमें मोटरसाइकिल लाना कोई मामूली काम नहीं है, और ऊपर से आपके पास अगर बड़ा मोटरसाइकिल हो तो बिल्कुल सोचना ही नहीं। गैस अभी हम लोग जा रहे हैं खमीस मुकैद, 222 किलोमीटर दूरी पे, और वादी लजब से निकल गए खमीस मुशैद पे। अभी जा रहे हैं, शाम भी हो रहे हैं, ऊपर से अंधेरा भी होगा, तो इंशाल्लाह हम लोग होटल पहुँचते ही फिर आपसे मुलाकात होगा इंशाल्लाह, अगर खैर खैरियत से पहुँच गए तो।